मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन एसकेएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आई एम लोली, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डू बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन बुक पार्ट 1। सो ऑल द स्टूडेंट ओपन योर माय ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपने क्या करना है, ये जो फिलअप दिए हुए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिलअप में देखते हैं क्या है। आर डैस हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। अराउंड अस यानी हमारे जो आसपास की जो थिंग्स है, यानी हमारा जो आसपास है, आसपास का जो क्षेत्र है। हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड, किसकी हेल्प से हम जो है हमारे जो आसपास की थिंग्स हैं या जो भी वातावरण है उसको हम देखते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। नो यानी जानना, तो जिसके बारे में हम जानते हैं यानी हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, जिसकी ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम ये अपने आसपास के क्षेत्र को जानते हैं। तो आपने यहाँ फिलअप में कंप्लीट करना है कौन सा वर्ड यहाँ राइट होगा। आर डैश हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, तो क्या वो किसकी हेल्प से, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी हेल्प से, यानी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या है वर्ल्ड को जानते हैं, हमारी आस पास की थिंग्स को है हम देख सकते हैं, स्मेल से पहचान सकते हैं और इसके साथ साथ साउंड से सुन सकते हैं, है ना। और वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने जा भी सकते हैं और फील भी होता है हमें। तो ये सारी जो थिंग्स, ये जो सारे जो वर्क है वो हमें किस किस से बता सकते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हमें ये फील होता है यानी पता चलता है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, सेंस। तो इसमें हम राइट करेंगे सेंस। Our sense help us to know the world around us, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हम हमारे अराउंड अस के यानी चारों ओर के वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें किसकी हेल्प से होती है, आर सेंस ऑर्गन से। ओके, तो इसमें आपने क्या राइट करना है, एस ई एन एस ई एस सेंस। ओके, नेक्स्ट आर नोज हैज टू स्पेस। अब आपने बताना है कि हमारा जो ये नोज है इसके कितने, ये जो टू इन नंबर में होते हैं यानी ये जो जिनकी हेल्प से हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन ओ एस टी एन ओ एस R I double L S nostrils। तो हमने क्या राइट किया, our nose has two nostrils, यानी जिनकी हेल्प nostrils की हेल्प से हम क्या है ब्रीथ लेते हैं और ब्रीथ को छोड़ते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट dash acts like a blanket that cover our entire body, जो है ये जो एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट दैट कवर्स आर एंटायर बॉडी, हमारी जो पूरी बॉडी है वो किसका किससे ढकी हुई है, एक कंबल की तरह या एक रजाई की तरह। जैसे कि हमें ठंड लगती है तब हम रजाई का या कंबल का यूज करते हैं ना, तो अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं, है ना। ठंड लगती है तो हम अपने आप को पूरे अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन्स है जिसकी हेल्प से हम क्या हमारा हमारी जो पूरी बॉडी है वो इंटायर रहती है, तो यानी कवर रहती है किसकी हेल्प से। तो हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि हमारी जो फाइव सेंस ऑर्गन्स में से जो स्किन है वो क्या है हमारी पूरी बॉडी को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, स्किन एस के आई एन स्किन। तो हमने क्या राइट किया, स्किन एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट दैट कवर आवर एंटायर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, एक रजाई की तरह एक कंबल की तरह है, क्या है ये हमारी जो पूरी बॉडी को कौन
स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी पे है ना, हर जगह आपको स्किन की स्किन दिखाई देती है, हमारी फुल बॉडी पे स्किन है ना। नेक्स्ट, कई बार ऐसे होता है ना कि जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी वो स्किन वहाँ से इनसाइड हो जाती है, स्किन कट जाती है, तो वहाँ हमें पेन होता है ना। और जैसे कि धूल वगैरह है, उससे कई बार ऐसे भी होता है कि अगर उसमें धूल घुस जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, खराब होने लगती है। तो इसलिए हम जब भी हमें चोट लगती है तो हमें उसे अच्छे से साफ, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि अच्छे से साफ करके उस पर क्या है मरहम पट्टी लगाई जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो हमारी स्किन जो है पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। ओके, नेक्स्ट, डेस्क हेल्प अस टू रीड अ बुक। अब जैसे ये क्या कह रहा है कि किसकी हेल्प से हम जो है बुक रीडिंग करते हैं। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने आंखें क्लोज की हुई है, आईज को क्लोज किया हुआ है, आप बुक रीडिंग कर सकते हो क्या? नो, नहीं कर सकते ना। अगर तो हम बुक रीडिंग किसकी हेल्प से करते हैं, हमारी आईज की हेल्प से हम क्या है बुक रीडिंग करते हैं जो हमारे टू इन नंबर में है। और जैसे कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं ना, जो देख नहीं सकते, जिनके आंखों की रोशनी नहीं होती, तो वो बुक रीडिंग कैसे करते हैं, वो ब्रेन लिपि के, जो ब्रेन लिपि होती है उनकी बुक रीडिंग में, तो वो ब्रेन लिपि के माध्यम से वर्णों को पढ़ते हैं। यानी ऐसे ऐसे वो उनके डॉट्स बने होते हैं, उन पे वो फिंगर घुमाते रहते हैं और उनको पता चलता है कि ये क्या बना हुआ है, तो वो ब्रेन लिपि होती है ना। तो आइज की हेल्प से हम देख के और बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, आइज, ई वाई ई एस आई, आइज हेल्प अस टू रीड अ बुक। आइज की हेल्प से हम क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा डे नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है, वी मस्ट ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ। व्हाई? वी मस्ट ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ, यानी जो रुमाल है उसका हमें उस टाइम यूज करना चाहिए, हमेशा यूज करना चाहिए उस, कब? जब हमें छींक आती है ना, छींकते हैं, जब हम छींकते हैं तो हमें किसका यूज करना चाहिए, हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, मास्क का। जो भी छींकता है तो वो उनको बोला गया कि इस तरीके से छींकिए, यानी अपने, अगर आपके पास आपके मास्क नहीं लगा हुआ, अगर आपको छींक आ रही है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने जो ये जो पार्ट है इसमें आप अपने मुंह को ढक लीजिए, नाक को ढक लीजिए, इस तरीके से छींकना होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्नीजिंग। क्या कहते हैं इसको, स्नीजिंग, छींकना, यानी स्नीजिंग करना। छींकते समय हमें किसका यूज करना चाहिए, हैंडकरचीफ का, यानी हमारे रुमाल का यूज करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, स्नीजिंग, सी एन डबल ई जेड आई एन जी, स्नीजिंग, स्नीजिंग। इसे क्या बोला जाता है, स्नीजिंग बोला जाता है, स्नीजिंग। तो स्नीजिंग जब भी हमें, हमने क्या राइट किया इसमें, वी मस्ट ऑलवेज यूज ए हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, यानी जब हम छींकते हैं तो हमें हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए, यानी रुमाल का यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, बल्ब एंड टॉर्च आर एग्जांपल ऑफ डैश सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब एंड टॉर्च, तो हमने बल्ब और टॉर्च के बारे में रीड किया था ना कि जो लाइट के सोर्स है ना, लाइट के स्रोत है, यानी लाइट जलने के जो साधन है, जिसमें बल्ब और टॉर्च की बात हो रही है, इसमें बल्ब और टॉर्च की बात हो रही है। तो ये जो है एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है, मैन मेड या नेचुरल थिंग्स, किसमें काउंट होंगे, ये हमारे क्या है, मैन मेड सोर्स है। तो इसमें हम राइट करेंगे एम ए एन मैन, एम ए डी ई मैन, बल्ब एंड टॉर्च आर एग्जांपल ऑफ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट के मैन मेड सोर्स है। अगर हम सन की बात करें, यानी सूरज की बात करें, तो वो किसका एग्जांपल होगा, हमारा नेचुरल में होगा ना, नेचुरल थिंग्स में काउंट होगा। तो लाइट का नेचुरल सोर्स होगा कौन है, जो हमारा सन है। ओके, नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड पुटिंग एनी डैश इनसाइड आर ईयर्स। वी शुड अवॉइड, यानी क्या अवॉइड करना चाहिए, वी शुड अवॉइड पुटिंग एनी, पुटिंग यानी धरना, और इनसाइड आर ईयर्स, ईयर्स के अंदर। तो किसको क्या, कौन से, वी शुड अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको नहीं करना चाहिए, उस वर्क को हमें नहीं करना चाहिए। तो कौन सा वर्क, वी शुड
J-E-C-T-S objects. We should avoid putting any objects inside our ears. यानी हमारे कान में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे जो है हमारे ईयर्स को है नुकसान पहुंच सकता है ना स्टूडेंट। तो हमने ईयर्स वाला टॉपिक जो किया था उसमें हमने देखा था ना कि ईयर्स के अंदर जो क्या है एक झिल्ली होती है, जो पतला जो भाग होता है वो क्या है बहुत ही नाजुक होता है, उसका अगर हम थोड़ा सा भी टच हो जाता है कुछ भी थिंग्स तो वो क्या है खराब हो जाता है, उसके अंदर सुराख हो जाते हैं जिससे क्या है हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हमारे ईयर्स के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो इसमें हमने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी थिंग्स। जैसे कई बार कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं ना कि पेंसिल है हाथ में, पेंसिल है उसको ऐसे कान में डालते रहते हैं, ईयर्स में डालते रहते हैं, लेकिन नहीं करना ऐसा, नाक में डालते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो इन ऑब्जेक्ट्स को बचा, इन ऑब्जेक्ट से हमारे जो ये बॉडी पार्ट के जो सेल्स हैं उनको हमें बचा के रखना है, ओके, ऑर्गन्स को। ओके स्टूडेंट, आईज, नोज और ये जो हमारे ईयर्स है ये तो हमारे बहुत ही नाजुक पार्ट है, अगर इन पे कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो ये बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। आइज़ तो मतलब ये मानिए कि अगर आइज़ में कोई नुकसान पहुंच गया तो वो तो ना के बराबर ठीक होने वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हमें हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं डालना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके फिलअप जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। एक बार दोबारा से फिर इनको रिवाइज कर लेती हैं। फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, आर सेंस हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी सेंस की हेल्प से हम हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट, आर नोज हैज टू नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स हमारे कितने होते हैं, नोज के 2, ये देखिए 1 और 2 ये हमारे नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्किन एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट दैट कवर आर इंटायर बॉडी, हमारी जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। ओके, नेक्स्ट, आईज हेल्प अस टू रीड अ बुक, आईज की हेल्प से हम क्या है बुक रीडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी मस्ट ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग करते समय, यानी छींकते समय हमें किसका यूज करना चाहिए, हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज बल्ब एंड टॉर्च आर एग्जांपल ऑफ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब और जो टॉर्च है वो किसके एग्जांपल है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी मानव के द्वारा निर्मित लाइट के साधन है ना। नेक्स्ट, We should avoid putting any objects inside our ears. कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमें हमारे ईयर्स के अंदर नहीं डालने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 28 करेंगे। आज हमने 27 माइक ऑब्जर्वेशन का पेज नंबर 27 कंप्लीट किया है। तो आप ये आपका वर्क क्या रहेगा, आपने ये जो फिलअप मैंने करवाई है इनको आपने अच्छे से कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर, और इसके साथ साथ इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।